गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है तो मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड हैं दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था तो इसका जो सही आंसर है वो है साप्ताहिक ग्वालियर अखबार मोहित बुसेन ने अच्छा आंसर किया है कुल विकास खंडों की संख्या 313 है जिनमें आदिवासी विकास खंड नवासी सम्मिलित है दो हजार तक यह ग्राम व जिलों के मध्य संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करती है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र साप्ताहिक ग्वालियर अखबार था जिसका प्रकाशन 1840 से ग्वालियर में उर्दू में होता था हिंदी का पहला समाचार पत्र मालवा अखबार था जो 6 मार्च अठारह से प्रकाशित हो रहा था इंदौर से यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था जिसके पृष्ठ के आधे भाग में हिंदी और आधे भाग में उर्दू से प्रकाशन होता था ग्वालियर से प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र था ग्वालियर गजट अठारह से ठीक है प्रथम पूर्ण साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय 1860 से जो मराठी भाषा में था और इंदौर से प्रकाशित होता था प्रथम मासिक व अंग्रेजी अखबार जबलपुर समाचार पत्र था से प्रकाशित था अंग्रेजी में था और जबलपुर से प्रकाशित होता था बिंद का पहला समाचार पत्र भारत भ्राता था जो अठारह से प्रकाशित हुआ रीवा से और हिंदी में था ठीक है तो ये एकमात्र खेल पत्रिका ये प्रश्न देखिए ज्यादातर प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं एग्जाम में है ना तो इनको आप जरूर ध्यान रख लिया करो ठीक है जितनी भी जानकारी आती है सारे आप व्यापम के प्रीवियस पेपर उठा लो आपको व्यापम या एम पी पी उनमें प्रश्न एज इट इज मिल जाते हैं ठीक है तो एकमात्र खेल पत्र का जो है वो खेल हलचल है हिंदी में है और इंदौर से प्रकाशित होती है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसका संपादक संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किया था इसका पूर्ण नाम था बेंगल गैजेट ऑफ द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ठीक है मध्य प्रदेश के के वित्त आयोग वर्तमान अध्यक्ष श्री हिम्मत सत्रह जून उन्नीस सौ चौरानवे को मध्य प्रदेश के में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था ठीक है और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस एस सिसोदिया ठीक है ये ध्यान रखिए भारत के वर्तमान वित्त आयोग एन के सिंह हैं ठीक है यह भी ध्यान रखिए भारतीय वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद दो सौ अस्सी के तहत की, की गई थी उन्नीस सौ इक्यावन में इसके पहले अध्यक्ष थे क्षितिज चंद्र नियोगी जिनको आप के सी नियोगी के नाम से जानते हो ठीक है तो ये इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बताए गए हैं और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है इसलिए ए, इसको, इसके मत किया करें आप इस पार्ट को चलिए कल के लिए प्रश्न है मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ठीक है दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं चलिए पहला प्रश्न है हमारा आज के करंट अफेयर्स का हाल ही में भोपाल नगर निगम ने घरेलू मेडिकल और कोविड वेस्ट के साथ अन्य खतरनाक माने जाने वाले कचरे के कलेक्शन के लिए किस रंग की बिन रखने का निर्णय लिया है देखिए अभी हाल ही में जो भोपाल नगर निगम है ये भी दो बिन रखे जाते हैं गीले कचरे के लिए और सूखे कचरे के लिए ठीक है गीले के लिए हरी और सूखे के लिए आपका नीला ठीक है ये दो अभी रखे जाते हैं लेकिन अब एक भूरी बिन जो है वो रखी जाएगी घरेलू मेडिकल और कोविड वेस्ट के साथ साथ जो अन्य खतरनाक माने जाने वाले कचरे हैं उनके कलेक्शन के लिए ठीक है तो नीली और हरी डस्टबिन के साथ अब भूरी बिन बिन लगाई जाएगी तीन टोटल लगाने का निर्णय अभी भोपाल नगर निगम ने लिया हुआ है घरेलू मेडिकल और कोविड वेस्ट के साथ अन्य खतरनाक माने जाने वाले कचरे के, के कलेक्शन के लिए भूरी बिन का उपयोग होगा अगर बात करते हैं स्वच्छ सर्वे दो ठीक है तो 2021 का जो स्वच्छ सर्वे होगा उसमें जो मापदंड जारी किए गए हैं उसमें घरेलू खतरनाक कचरे का सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग को भी शामिल किया गया है मतलब ये भी करना कंपलसरी होगा ठीक है इसमें घरेलू मेडिकल वेस्ट यानी कि सैनिटरी नैपकिन डायपर पुरानी दवाइयां आदि के साथ साथ कांच और बिजली का सामान या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी शामिल है ठीक है तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो बिन है वो अब रखी जानी है गाई ये हमारा प्रीमियम कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो ये ले सकते हैं अर्धवार्षिक अंक मध्य प्रदेश करंट आउटलुक का ठीक है और जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर योजनाओं पर वीडियो बनाओ ये सारी जो योजनाएं वगैरह हैं 2019-2018 ये सारी योजनाएं जो हैं इसमें कवर कर दी गई हैं दो तक की ठीक है मंथली लेना चाहते हैं तो ये मंथली भी आप इसका ले सकते हैं व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं इसके अलावा जेल प्रहरी में काफी प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दस टेस्ट हैं नाइनटी नाइन रुपीज में एमपी जेल प्रहरी के हिंदी में अवेलेबल है ठीक है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन ने प्रदेश में कितने नगर वन तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है देखिए एक्चुअल में प्रस्ताव सोलह का भेजा गया था लेकिन चौदह जो है उनका क्योंकि दो जगह एक्चुअल में कैंसिल कर दी गई है एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि दो कैंसिल कर दिए गए हैं ठीक है लेकिन आपको प्रस्ताव की यहाँ पर बात करी जा रही है तो सोलह नगर वन तैयार करने का प्रस्ताव अभी मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन है उसने केंद्र सरकार को भेजा है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने देश भर में ऐसे दो नगर वन तैयार करने की घोषणा करी थी उसी के बस में ये सोलह प्रस्ताव जो है वो भेजे गए तो इसमें भोपाल स्थित कलियासौ डैम जो है उसके पास में भी नगर वन तैयार किया जाएगा एक्चुअली वहां पे पेड़ों की कटाई जो है वो कर रहे हैं लोग इसके कारण ऐसा निर्णय लिया है कि यहाँ पे इस तरीके से नगर वन बनाया जा सकता है ठीक है दूसरी यह भोपाल की बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए लाहर पुल बॉटन बौतन, बॉटनिकल गार्डन की तर्ज पर नगर बन तैयार किया जाएगा ठीक है वन विभाग ने भूमि भी चिन्हित कर ली है 50 हेक्टेयर भूमि पर इसको तैयार किया जाएगा इस वन में पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ठीक है नगर वन का जो काम है वो ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत भोपाल वन मंडल करेगा ठीक है चलिए एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूं मध्य प्रदेश में कुल कितने वन मंडल हैं ये कमेंट करके आप जरूर बताइए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने मंडल है इसके लिए केंद्र से दो करोड़ का बजट भी आवंटित किया जाएगा दूसरी चीज है यहां पर बाघ मूवमेंट एरिया है ये में टाइगर मूवमेंट एरिया है इसके कारण यहां पर फेंसिंग वगैरह भी ये सब करी जाएगी बारह फिट की फेंसिंग करी जाएगी उसके अंदर इसको बनाया जाएगा ताकि टाइगर से यहां पर जो लोग आएंगे वो सेफ रहें अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल भोपाल में पांच नगर वन है जिनमें से लाहारपुर बॉटानिकल गार्डन एकांत पार्क स्वर्ण जयंती पार्क मोरवन भोपाल में हैं। आगे बात करें देखिए बे कोरोना मरीज जो आयुष्मान योजना में पंजीकृत नहीं है और राज्य सरकार से अनुबंधित किसी कोविड केयर अस्पताल में भर्ती हैं उन मरीजों के इलाज का पूरा खर्च अब राज्य सरकार देगी ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है कि आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड नहीं होने के साथ साथ अगर राज्य से अनुबंधित किसी भी कोविड केयर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उस राज्य सरकार पूरा खर्च देगी एक दो कंडीशन लेकिन ये कंडीशन है कि आपको उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जो कोविड केयर सेंटर के रूप में बनाए हुए हैं यह व्यवस्था कोविड मरीजों के इलाज के लिए अनुबंधित अस्पतालों की बिलिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए शुरू करी गई है ठीक है अनुबंधित निजी कोविड अस्पतालों में आयुष्मान में पंजीकृत और गैर पंजीकृत कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार अब किया जाएगा ठीक है तो यह भी आप ध्यान रख लीजिए अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सीरो सर्वे शुरू किया गया है देखिए यहां पे देखें इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का दूसरा आ, कौन, सा आ, कौन सा शहर है जहां सीरो सर्वे शुरू किया गया है ठीक है दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं भारत का चौथा कौन सा शहर है जहां सीरो सर्वे शुरू किया गया है ठीक है तो तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है इसका वैसे सही आंसर जो है वो है भोपाल ठीक है और आ, एक और चीज हम आपको बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहाँ पर भी सीरो सर्वे जो है वो किया जा चुका है ठीक है ग्रुप ऑफ पीपल में ये सर्वे इस तरीके से उनका ब्लड टेस्ट लिया जाता है ठीक है और इस तरीके से सीरो सर्वे किया जाता है ताकि एक आइडिया लग सके कि पर्टिकुलर ऐसी जगह पर सीरो सर्वे किया जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैला हुआ है ठीक है तो जैसे भोपाल है अगर भोपाल की बात करें तो जैसे पुराना शहर है भोपाल वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है तो ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा दूसरा मुख्य रूप से जो घनी बस्तियां हैं ठीक है ठीके? और इलाके हैं उन पर सर्वे पर जोर रहेगा ठीक है और कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए और उसकी रोकथाम करने के लिए सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा राजधानी भोपाल में एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो रैंडम किया जाता है इसके लिए राजधानी में बान बानबे घरों को चिन्हित किया गया है पूरे शहर के इक्यासी वार्ड में यह सर्वे कराया जाएगा ठीक है इसमें स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और राज्य वायरोलॉजी लैब में उसका एलाइजा टेस्ट किया जाएगा सात से पंद्रह सितंबर तक चलेगा भोपाल देश का चौथा शहर बना है जहां पे सीरो सर्वे शुरू हुआ है ठीक है इससे पहले सीरो सर्वे दिल्ली में भी हो चुका है पुणे में हो चुका है इंदौर में हो चुका है ठीक है ये तीन शहर है जहां ऑलरेडी हो चुका है चौथा बनेगा भोपाल इंदौर में एक अगस्त से पंद्रह अगस्त तक सीरो सर्वे करवाया गया था अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर सेस कितना कर दिया है तो देखिए अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया गया कि जो नगरीय क्षेत्र है ठीक है ध्यान रखिए नगरीय क्षेत्र इसमें केवल शामिल करे गए हैं शहरी क्षेत्र जो है वो शामिल करे गए हैं इसमें केवल ठीक है तो ये जो पहले था तीन प्रतिशत था इसको अप कर दिया है एक प्रतिशत ठीक है और मतलब प्रॉपर्टी की बिक्री ठीक है ध्यान रखिए प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी दोनों इसमें शामिल है दो परसेंट सेस घटा दिया यानी कि तीन परसेंट से कितना कर दिया है एक परसेंट कर दिया गया है पहले स्टाम्प ड्यूटी पर तीन परसेंट सेस लिया जाता था लेकिन अब सिर्फ एक परसेंट लिया जाएगा यानी कि एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो सीधे करीब दो रुपए तक की बचत हो जाएगी ठीक है इसका लाभ सिर्फ शहरों में ही मिलेगा दो परसेंट की छूट के कारण लोग प्रॉपर्टी खरीदी के लिए आकर्षित होंगे ये इसका मुख्य उद्देश्य है ठीक है ध्यान रखिए प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां इससे बढ़ेंगी इसका दूसरा उद्देश्य है इकतीस दिसंबर तक ये रियायत केवल लागू रहेगी अभी आपको पता होगा मैंने बताया भी था आपको एक साल पहले कमलनाथ सरकार ने स्टाम्प शुल्क जो है वो दो दशमलव दो प्रतिशत बढ़ा दिया था पहले स्टाम्प शुल्क दस दशमलव तीन था और ये इसको कर दिया गया था, था बारह दशमलव पांच प्रतिशत कमलनाथ सरकार में ये जो नई दरें हैं वो एक जुलाई दो हजार उन्नीस से लागू हो गई थी ठीक है तो ये इतना आपका आ, हो जाएगा आज का करेंट अफेयर ठीक है वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं थैंक यू वेरी मच